मुद्दा हमारा है महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है और हिस्सेदारी है। विकास के मुद्दे पे आप देख लीजिए, सरकार आई 8 साल हो गया केंद्र सरकार को और 5 साल होने जा रहा है यूपी सरकार को, क्या किया है आप देख लीजिए। केवल मेन रोड छोड़, पापा जी बोलते हैं कि विकास के बगैर पड़ रही है, मेन रोड छोड़ दीजिए, आप नगमा में चल जाइए, नगमा क्षेत्र में चल जाइए, गली और मोहल्लों में चल जाइए, कोई विकास नहीं हुआ है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे कुछ कोई चीज़ छिपा नहीं है, आप चले जाइए देख लीजिए वहाँ के लोगों को क्या रहन सहन है, क्या किए हैं। एक एक आदमियों से पूछ लीजिए कि हमारा विकास हुआ है। आज विकास हुआ होता तो हम लोगों को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं होती। सर अभी तक तो जो काम हुआ है, अभी तक तो जो काम हुआ है केवल पेपर पर हुआ है, हम लोग जमीन पे करके दिखाएंगे। देख तो हम लोग गरीबों से जुड़े हुए हैं, हमेशा जमीन पे रह के काम किए हैं। हमारा देख लीजिए इतना बड़ा मकान है, मैं आज तक एसी में नहीं रहा हूँ। चाहता तो मैं एसी में रह के और लोगों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूम सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ हो सकता है, मगर मैं नहीं। मैं कहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ रहने में जो मजा है वो जो है एसी और एसी गाड़ियों में नहीं है। जब हम उसमें चले जाएंगे तो फिर लोगों का सेवा कहाँ से कर सकते हैं। महंगाई देख लीजिए, गैस सिलेंडर का दाम क्या है, 400 रुपये से 2014 में 400 रुपये का था और आज 1050 का बिक रहा है। तो आपका चुनाव चिन्ह गैस है, तो आप कई गैस का दाम कितना करेंगे? हम लोग गैस का दाम जो है सब्सिडी जो रहेगा उसको दिया जाएगा, गैस का जो दाम जितना कम से कम होगा उतना किया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।